हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोथ डायपर्स के बारे में। सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे शेयर करूंगी, उसके बाद इसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके बाद इसको यूज़ कैसे किया जाता है और उसके बाद इसको वॉश कैसे किया जाता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हिट करें बेल आइकन को। वेलकम टू मॉम्स अड्डा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये एक पॉकेट क्लोथ डायपर है। इसमें टू लेयर्स हैं, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दिस। सबसे पहले बात करते हैं इस लेयर के बारे में। ये लेयर बेबी के स्किन के कांटेक्ट में रहती है। जब बेबी इस पे टॉयलेट करता है तो ये बेबी को वेट फील नहीं कराती है, ड्राई फील कराती है, जैसे कि हमारे डिस्पोजेबल डायपर्स में होता है। मैंने इस पे वाटर डालकर देखा था और हाथ लगाकर देखा था, ये ड्राई टच शीट है, मतलब इस पर कोई वेटनेस फील नहीं होती बेबी को। इसके बाद बात करते हैं ये बैक लेयर की। ये रबर टाइप के मटेरियल से बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, जब बेबी डायपर के अंदर टॉयलेट करता है तो बाहर टॉयलेट लीक नहीं होता है। अब तीसरी जो इसमें चीज़ होती है वो है, इस पॉकेट के अंदर एक इंसर्ट होता है। ये माइक्रोफाइबर का बना हुआ होता है। जब बेबी टॉयलेट करता है तो डायपर के अंदर ये इंसर्ट उस टॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सेकंड थिंग हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ये इंसर्ट होता है, इसको इस पॉकेट के अंदर डालकर सेट करना होता है। इस तरीके से फिर इसको बेबी को ऐसे पहनाते हैं। बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको हम बंद कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब एडजस्टेबल इसकी साइज़ होता है। अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो उस इस डायपर को हम छोटा भी कर सकते हैं, लाइक दिस। आप इस बटन में क्लोज कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के साइज़ का डायपर इस तरीके से ये बन गया, और अब इसको ऐसे क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए, ये न्यू बॉर्न बेबी साइज डायपर। और अगर आपका बेबी मींस ये डायपर 3 ईयर तक के बच्चे को काम करता है, न्यू बॉर्न टू 3 ईयर। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। डिस्पोजेबल डायपर्स को लेके लोगों के मन में थिंकिंग होती है कि बेबी की स्किन डैमेज हो जाएगी, उसके अंदर केमिकल होता है, बेबी को रैशेज हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ क्लोथ डायपर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता है और ये बेबी की स्किन को बिल्कुल डैमेज नहीं करता है। सेकेंड जो इसका बेनिफिट होता है कि ये रीयूजेबल होता है। मीन्स आप इस एक बार बेबी ने इसमें पोटी कर दी या फिर शिशु कर दिया तो ये वॉश करने के बाद हम इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिस्पोजेबल डायपर को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हमें फेंकना ही पड़ता है। तो मीन्स ये इकोनॉमिकल है, मीन्स जो डिस्पोजेबल डायपर हैं वो महंगे पड़ते हैं, और ये एक बार परचेज करके ये सालों साल हमारा ये चल जाता है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आप इसको बार बार खोल के अपने बेबी को, अगर शिशु पोटी ट्रेनिंग देनी होती है आपको, तो आप इसको बार बार खोल के शिशु वगैरह करा सकते हैं अपने बेबी को। बस बट इन केस ऑफ डिस्पोजेबल डायपर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बार पहना दिया फिर उसके बाद उसको साइड से टीयर करके निकालना होता है, या फिर अनकम्फर्टेबल होता है उसको निकालना। इसमें आप बार बार ओपन ये क्लोज कर सकते हैं बेबी को शिशु या पोटी ट्रेनिंग देने के लिए। डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं अगर आपने इस क्लोथ डायपर को यूज़ करने में लापरवाही बरती, जैसे कि अगर इसकी वॉशिंग में, जब इसको वॉश कर रहे हैं, अगर आपने इसको प्रॉपरली वॉश नहीं किया या फिर इसको प्रॉपरली सुखाया नहीं है तो बेबी की
स्किन में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको प्रॉपरली वॉश करना ज़रूरी है। वॉशिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब बेबी ने इसको फुल जब बेबी इसको फुल कर लेगा तो इस कोल्ड वाटर में इसको भिगा कर रखना है। उसके बाद इसको नॉर्मली जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं वो डिटर्जेंट में इसको धोना है, अच्छे से इसको सोक करके इसको धूप में सुखाना है। इसको शेड में नहीं सुखाना है, इसको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने से क्या होगा, जो भी इसका इन्फेक्शन है वो चला जाएगा, उसके बाद ही इसको यूज़ करना है। जो मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने इस डायपर को यूज़ किया, कहते तो हैं कि ये 5-6 घंटे तक चल जाता है, बट मैंने जब इसको यूज़ किया मेरे बेबी के केस में ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है। 2 घंटे ये आराम से एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इसमें साइड से लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा क्लोथ डायपर को लेकर रिव्यू है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।